सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। संपूर्ण सफलता के 13 लक्ष्य। श्रृंखला के इस भाग में आइए अब जानें हमारा चौथा लक्ष्य। हमें खास लक्ष्य पर काम करना है। खास लक्ष्य है, खास को समझे। खास का अर्थ एनालॉजी से समझें कि आप खजाने की तलाश में, भूल भुलैया में, और मैप है हाथ में, नक्शा नक्शा लेकर जा रहे हैं। मगर दिक्कत क्या है? ये तो बहुत आसान है ना, नक्शा है, देखो कहाँ टर्न लेना है, लेफ्ट लेना है, कहाँ राइट लेना है, बढ़ते जाओ, खजाना भी मिलेगा, भूल भुलैया से बाहर भी आ जाएंगे। मगर होता क्या है, उस भूल भुलैया में आपके लेफ्ट कंधे पर तोता बैठा है, लेफ्ट कंधे पर तोता बैठा है जो कंटिन्यूस बड़बड़ कर रहा है, यहां लेफ्ट मुड़ो, नहीं नहीं यहां राइट नहीं, यहां लेफ्ट जाना चाहिए, नहीं नहीं यहां लेफ्ट नहीं, राइट जाना चाहिए, नहीं नहीं ये जो पत्थर रखा है ना इसके नीचे कुछ तो है, ये ढूंढो इसके नीचे क्या है। और आप उसके कहे पर पत्थर ऊपर उठाते, सांप निकल आता है, चिल्लाते हो, चीखते हो। ऐसा कुछ हो रहा होता है इस तोते के साथ। और सिर पर कठफोड़वा, कठफोड़वा यानी वुडपेकर, एक पक्षी होता है, लकड़ी में होल करते रहता है, पेड़ में कठफोड़वा वुडपेकर, तो ये सिर पर बैठा है, बीच बीच में चोंच मारता है, तो आपको शरीर में दर्द होता है, दुखद भावना आती है। और राइट कंधे पर, राइट कंधे पर कोयल जो गीत गाती है। अब ये आपने सुना, इस पर अभी आप मनन करेंगे, 2 मिनट मनन करेंगे। क्यों मनन करेंगे? क्योंकि किसी और की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है, आपकी कहानी पर मनन करो। कौन सा खजाना, कौन सी भूल भुलैया, कौन से पक्षी, कौन तोता, कौन कोयल, कौन कठफोड़वा। सभी आंखें खुलें। अब इसको पूरा समझ लें, इसमें क्या इशारा किया गया, इसमें पूरा रहस्य आ गया जीने का। अगर आप ये लेकर जाओगे तो आपको जीने का पूरा रहस्य मिल जाएगा। तोता भूल भुलैया में उलझा देता है, माया में उलझा देता है, गलत निर्णय करवाता है। मन तोता लगातार बोलता, इसके बोलने की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते कि हम क्या करें, क्योंकि पहले ही है भूल भुलैया और लग रहा है क्या करें क्या न करें।
ध्यान में बैठे तो पहले तो तोता शुरू हो जाता है, तोता तो शुरू था पहले से ही, मगर ध्यान में ज्यादा पता चलने लगता है। फिर है कटफोड़वा। कटफोड़वा यानी शरीर में होने वाली पीड़ाएं, इमोशन, शरीर में दुखद भावना जब आती है तब इंसान कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाता। एक तो विचारों की वजह से, तोते की वजह से, एक कटफोड़वा, ये क्या बीच बीच में जो चोंच मारता है, तो शरीर के किसी न किसी अंग में दर्द उठता है, या हमारे छाती में, हमारे शोल्डर्स पर, हमारे पेट में, सोलर प्लेक्सिस पर, नाभि के ऊपर कहीं, तो वो दुखद भावना जब आ जाती है अच्छा नहीं लगता है। तो जब ऐसा होता है तो हम कुछ देख ही नहीं पाते, क्या चल रहा है आजू बाजू में, कौन लोग हैं, क्योंकि ये हमला हुआ है इमोशन का। फिर इंसान क्या करता है इमोशन से बचने के लिए, दुखद भावना, या तो निगलेगा या तो उगलेगा। उगलेगा तो सामने वाले को दुखी करेगा, निगलेगा तो खुद को तकलीफ, और उसको शिव की तरह कंठ में रखना आता नहीं है तो वो क्या करे। तो कटफोड़वा जो अचानक बीच में चोंच मारता है, सब लगता है कुछ अभी मैं कर ही नहीं पाऊंगा, बहुत डिप्रेस हो गया, बहुत निराश हो गया, सभी को याद आएगा कब कब क्या होता है उनके साथ, तब समझ आना है कटफोड़वा ने चोंच मारी है। तो ये इमोशन को कैसे देखना है कि ये शरीर के ऊपर है, मेरे साथ नहीं है। जब इस समझ से आप भावना को देख पाओगे, दुखद भावना, दर्द दुखद भावना, कटफोड़वा, और देखें ये कब तक रहती है। दर्शन किया आपने कि सुबह में हुआ, शाम तक खत्म हो गया। अगर आप उसे लड़ते रहिए, जाता क्यों नहीं, जाता क्यों नहीं, चलो फ्रिज में से कुछ निकाल कर खाओ, थोड़ी कम हो जाएगी इमोशन, दुखद भावना कम हो जाती है ना, फ्रिज से निकाल के कुछ ठूस दिया ना तो ब्लड सर्कुलेशन बदल जाता है, सब पेट की तरफ जाने लगता है। तो कुछ लोगों ने फार्मूला बना दिया, दुखद भावना आई ना खाओ जाकर, और कुछ लोगों ने फार्मूला बनाई होती है दुकान पर जाओ कुछ खरीद कर लाओ, कुछ तो शॉपिंग करके आते, जरूरत हो ना हो। कुछ लोग फोन घुमाते और जो मिला उससे बातचीत करते रहते। तो हर एक की अपनी अपनी फार्मूला बन जाती है। एक्चुअली में वो क्या कर रहा है, वो कटफोड़वा से युद्ध कर रहा है। खजाना ढूंढना तो रह गया, अब ये सब चल रहा है। तोता कटफोड़वा, फिर बताया कोयल। कोयल गीत गाती, यानी कोयल है हमारी फीलिंग, आपकी फीलिंग, खास फीलिंग, खास, खास का अर्थ समझो, ख अ स, खास, ख अ स, ख है खुशी की, ख है खुशी की, अ है आश्चर्य की, स है सराहना की, खुशी आश्चर्य सराहना, ये खास है। हमेशा खास लक्ष्य पर रहो, यानी कोयल क्या कह रही है, कहीं वो चुप तो नहीं बैठ गई। जब भी दुखद भावना आए कोयल को गीत गाने के लिए कहो, उसका गीत गीता बन जाएगा, उसका गीत गीता बन जाएगा। क्योंकि फीलिंग अगर आपकी बदल गई तो जो घटना है वो बदलने लगती है, ये रहस्य समझना है। आप दुखद फीलिंग में समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते। दुखद फीलिंग आई है और आप समस्या सॉल्व करना चाहते हो, तुरंत कोयल को कहो
इरशाद, कोयल को कहो इरशाद। कोयल राइट कंधे पर बैठी है ना आपके, तो राइट हैंड से उसको कहोगे इरशाद, इरशाद। तो मुद्रा क्यों दी जाती है आपको? ताकि आपको याद भी रहे और वो क्रिया करने से आपकी फीलिंग बदलना शुरू हो जाएगी। जब भी नेगेटिव फीलिंग आएगी तो क्या करोगे अब? इरशाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है। ऐसा गीत कोयल सुनाएगी, यानी कोयल को कहोगे आश्चर्य क्या है इस वक्त वर्तमान में, किस चीज की सराहना की जाए, क्या मिला है, क्या पाया है। क्योंकि इंसान ने इतना कुछ पाया है वो भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता, उसको खाली रिमाइंडर चाहिए। तो कठफोड़वा ने रिमाइंडर दे दिया, तोते ने दे दिया, अभी आपका काम है खाली इरशाद करना। कहो इरशाद। तो कोयल शुरू हो गई, कैसा लग रहा है? सुभान अल्लाह, इतना जो टर्न आ गया, इतना फास्ट। क्योंकि जितना उपयोग करोगे, जितना पहचान पाओगे, अब ये जो सब हो रहा था अदृश्य में था, मगर अभी क्या आ गया? दृश्य में। अभी आप तुरंत पहचान पाओगे ये तोता है, ये कोयल है। क्योंकि ये जर्नी, ये खोज भूल भुलैया में, ऐसा नहीं कि जब हमें खजाना मिल जाएगा तो हम खुश होंगे। ये खोज में भी मौज हो, ये खोज करते करते भी आनंद लें, वेट नहीं करेंगे एंड रिजल्ट के बाद खुश होना है, शुरू कर देना है आनंद प्रेम मौन, शुरू कर देना है खुशी आश्चर्य सराहना। खाली एक रिमाइंडर की जरूरत होती है कि चलो ऐसा क्या है वर्तमान में जिसके लिए आश्चर्य किया जा सके, क्या है ऐसा वर्तमान में जिसके लिए खुश होना है, क्या है जिसकी सराहना करनी है। कुछ सवाल पूछोगे ना, कोयल शुरू हो जाएगी। कोयल उदास हो जाती है, आप सिर्फ तोते की सुन रहे कि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा, इरशाद ही नहीं बोल रहा कोई, तोते को ही आप इरशाद बोलते रहते अनजाने में। तो इसलिए कहा कि इसके अंदर पूरा रहस्य है जीने का। तो ऐसा मत सोचो कि हम कोई खजाने की तलाश में जाएंगे तभी कोयल का सुनेंगे। आप उसी खोज में हो, जहां पर भी रह रहे हो, आनंद की खोज सबकी चल रही है। तो इसमें गलती कहां हो रही है, कौन से इमोशन में हम फंस जाते हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है? आपके साथ एक भी इमोशन नहीं है, क्योंकि मेरे साथ हो रहा है तो फिर छोटा भी ज्यादा लगता है, किसी और के साथ होता है तो बड़ा भी छोटा लगता है। खास बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, परवाह मत कर। मेरे साथ हो रहा है मतलब बहुत बड़ा है। तो अब पहले तो सत्य खुद को याद दिलाएंगे, कोयल को कहेंगे कि गीत गाओ, यानी वो फीलिंग लाओ। और फीलिंग लाने के लिए आप कुछ रिकॉल करते हो, याद दिलाते हो, क्यों कितना कुछ मिला है हम भूल गए हैं। याद करो अपने अनुभव को, आप कौन हो, और अपने शरीर से प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति कर रहे हो, तो हर मौका दिखेगा लोगों में प्रेम बांटने का, आनंद बांटने का मौका दिखेगा, और वो करके ही संतुष्टि आएगी। अरे कितना अच्छा लग रहा है दूसरों को खुशी देकर, कितना अच्छा लग रहा है। तो इसमें जो खास लक्ष्य है वो आपको ध्यान में रखना है। खास लक्ष्य बताया, इसको पोषण दो, इसको खाना दो, कोयल को खाना दो। क्योंकि आप चाहते ना कोयल गाए,
इसका खाना क्या है, ये बढ़ाओ, इसको सत्य मिलेगा, इसकी फीलिंग बदलती जाएगी, गीता बन जाएंगे, भजन बन जाएंगे, फिर आपके चेहरे पर तेज आ जाएगा, आंखों में तेज, खास फीलिंग में जाते रहना, बीच बीच जब भी याद आए ना, चलो खास फीलिंग में जाते, और इस खास फीलिंग में आपके जीवन में सब आने वाला है, जो भी आप चाहते हो जीवन में, दूसरों के दिव्य योजना में रुकावट डालने वाला न हो, वो सब आएगा जो दूसरों के दिव्य योजना में रुकावट डालने वाला नहीं है। तो खास फीलिंग में रहने का लक्ष्य इस साल में ठान लो कि साल के अंत तक ये पक्का हो चुका होगा कि मैं खास फीलिंग में रहता हूं, खास फीलिंग में मैं रहती हूं, हर दिन खास है, हर दिन खास है, खुशी, सराहना, आश्चर्य। तो कैसा जीवन हो जाएगा, कितना छोटा सा ट्विस्ट है। सरश्री जी द्वारा दिए गए इन सत्य संदेशों के साथ साथ आप सरश्री लिखित पुस्तकों का भी लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने। मैंने काफी गुरु का गुरु नहीं कहूंगा, मैं काफी लोगों से मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि मैं मिस्ट्री फील्ड से बिलोंग करता हूं, तो बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन को माइंड कंट्रोल करता है, तो मुझे काफी रिजल्ट्स यहां देखने मिले। और सब में बड़ी बात, मेरे जो एक बंदर जैसे पकड़ते हैं, वो बंदर को पकड़ने के लिए एक पिंजरा पर रखते हैं और पिंजरे में सिर्फ उसका पंजा जाएगा इतना ही हाथ रखते हैं और अंदर मूंगफली रखते हैं। वो बंदर अंदर हाथ डालता है और मुट्ठी बना लेता है और छोड़ने की कोशिश करता है, छूटता ही नहीं, वो पकड़ा जाता है। उसको पता ही नहीं होता कि अगर मैं मूंगफली छोड़ दूँ तो निकल जाऊँगा। तो वैसे मूंगफली मैंने बहुत पकड़ी हुई थी। जो मैंने ये पूरा आपका शिविर जो किया, तो वो शिविर करने के बाद वो मुझे मेरी मूंगफली क्या है वो समझ में आ गई, कि ये सारी मूंगफलियाँ मैंने पकड़ के रखी थी कि जिस वजह से मैंने छूट रहा था। कर्मात्मा कर्म सिद्धांत में से तो मैं पूरा हिल गया कि वो क्या बुक्स लिखी है आपने। वो पढ़ने के बाद डेयरिंग ही नहीं होता किसी से झूठ बोलूँ या कुछ गलत कुछ करूँ, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी नॉलेज मुझे मिला। शुक्रिया, थैंक यू।